बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। घर सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है और ख़वातीन के लिए घर में सबसे अहम जगह बावर्ची खाना या किचन होता है। हर खातून की ख्वाहिश होती है कि इसका किचन बहुत ही खूबसूरत हो। आज मैंने अब भी अपने घर को खूबसूरत बनाते बनाते किचन के लिए कुछ टाइल्स देखी हैं और उनके कुछ डिज़ाइंस मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत सा ग्रे कलर में डिज़ाइन है और ये बहुत ही सॉफ्ट सा ब्राउन कलर के चेक में है, वो ऑफ वाइट और ब्राउन कलर का है। इसकी टाइल्स पैनल बहुत ही खूबसूरत है, ये मार्बल की लुक दे रहा है और थोड़ा सा डार्क शेड्स में आ रहा है। अगर आपके कैबिन्स लाइट कलर के हैं तो आप डार्क कलर में टाइल्स यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये डिफरेंट टेक्सचर्स हैं, इसमें ऊपर लाइट कलर का टेक्सचर है और नीचे डार्क कलर का, और ये बहुत ही सॉफ्ट सा पैनल है एक, जिसमें बहुत ही कम चीज़ें हैं। ये मैंने अपने किचन के लिए ये पसंद किया है और ये ग्रे शेड में एक बहुत ही खूबसूरत एलिगेंट सा टेक्सचर है और इसके साथ इसका पैनल भी बहुत ही डिफरेंट सा है। ये गोल्डन शेड में है, मार्बल के साथ इसकी टाइलिंग है और पैनल जो है वो इसमें ब्राउन कलर, ग्रे कलर प्रोमिनेंट हैं, गोल्डन कलर इसी तरह से ये गोल्डन कलर में भी है और इसका मार्बल की टाइलिंग है, टेक्सचर जो है टाइल्स का वो मार्बल में है और ये ग्रे और वाइट कलर का चेक है। ये बहुत ही खूबसूरत सा सॉफ्ट सा डिज़ाइन है, बहुत ही सिंपल इसका पैनल है। आपका अगर किचन वाइट कलर का है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से एक ये बहुत ही खूबसूरत सा पैनल है, गोल्डन कलर में है, ब्राउन किचन के साथ आप इसके, अगर आपका सारा किचन ब्राउन है उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। ये गोल्डन शेड में है और इसका जो टेक्स्चर है टाइल्स का वो बहुत ही खूबसूरत सा है, सॉफ्ट सा है और ये ग्रे के का पैनल है। इसमें जो नीचे वाली टाइल है वो मुझे इतनी अट्रैक्ट नहीं की है, ये लाइट और डार्क कलर का है, ऑफ वाइट बेस ऑफ वाइट है और ऊपर पैनल जो है थोड़ा सा डार्क ब्राउन है। ये दूसरा पैनल है जो मैंने अपने किचन के लिए पसंद किया है, ये भी बहुत खूबसूरत है। इसमें नीचे सिंपल टाइल मार्बल की है, ये ग्रे शेड का है, पैनल बहुत ही खूबसूरत है, इसके साथ वाइट कलर की टाइल्स चलेंगी और ये भी बहुत ही एलिगेंट सा एक पैनल है और इसके साथ ये नीचे एक ही टाइल है जो कि डिफरेंट टेक्सचर्स इसमें हैं, ये भी बहुत खूबसूरत है और ये भी बहुत ही खूबसूरत कलर का, सिल्वर कलर और ग्रे कलर के कम्बिनेशन में है, लाइट ग्रे से डार्क ग्रे की तरफ जा रहा है, लाइनिंग वाला था। और ये ऑलरेडी आपके साथ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, इसका जो नीचे पैनल्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। इसी तरह से ये भी बहुत ही खूबसूरत ऑफ वाइट और उसमें है, ये चेक में है, वाइट कलर का चेक है और ब्लैक लाइंस हैं इसकी, ये भी बहुत ही खूबसूरत एक पैनल भी है और इसके साथ डिफरेंट टेक्स्चर्स भी हैं। इसी तरह ये मार्बल का टेक्स्चर भी बहुत ही खूबसूरत है, डिफरेंट डिज़ाइंस में आपके साथ और शेयर कर रही हूँ कि आप एक एक टाइल्स को, पैनल को अच्छी तरह देखें। ये इस्लामाबाद रावलपिंडी में बहुत आसानी से ये वाली टाइल्स अवेलेबल हैं, आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगी और प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल हैं। आपको अच्छे प्राइस के लिए 2-3 शॉप्स कम अज़ कम देखनी चाहिए, क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको डिफरेंट लोग डिफरेंट प्राइजेस बता रहे होते हैं, लेकिन अगर आप 2-3 शॉप्स देख लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि एक्चुअल प्राइसेस क्या तक जाती हैं इसकी। ये बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर है, ये भी मैं अपने किचन के लिए मैंने सेलेक्ट किया है, कुछ ये लाइनिंग वाला डार्क लाइट ब्राउन टाइल्स के साथ है, ये ब्लैक एंड वाइट चेक के साथ है, ये भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत सॉफ्ट लुक दे रहा था। अगर आपका किचन ब्लैक एंड वाइट के कंट्रास्ट में है तो बाकी फिर आप टाइल्स ऐसे यूज़ करें, और ये बहुत ही ज़्यादा गोल्डन कलर के टेक्सचर है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और यूनिक है। ये भी बहुत ही सॉफ्ट सा है, एलिगेंट सा,
और ये भी बहुत ही ख़ूबसूरत है। अगर आपका किचन ब्राउन कलर का, आप इसके कैबिनेट्स वगैरह बनाते हैं तो उसके साथ ये बहुत ही ख़ूबसूरत लुक इसकी होगी किचन की। और ये ग्रे टाइल ट्रायंगुलर शेप में इसके पैनल हैं, और इसी तरह से ये भी बहुत ही ख़ूबसूरत और एंटीक स्टाइल में है। बहुत ही ख़ूबसूरत है पैनल भी और टाइल्स भी। और एक पैनल ये है जो मैंने अपने घर के लिए चूज़ किया है। आई होप कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।